So today we will discuss chapter आपका electricity of 10th science 10th class का जो electricity chapter है chapter number 12 तो वो हम discuss करेंगे. Electricity सबसे पहले समझ लें कि electricity है क्या. तो we will start welcome you all on my channel study mantra. If you like my videos मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 10 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी है क्या. एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी है द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. क्या है इलेक्ट्रिसिटी. स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. एक्चुअली फिजिक्स का चैप्टर है electricity. So the branch of physics which in which we study the flow of charge. जिसमें हम flow of charge को study करते हैं वो branch क्या कहलाती है. That is electricity. उसको हम electricity कहते हैं. Okay. अब देखो electricity जो होती है it is of two types. कितने types की होती है. Two types. First is static electricity and second is current electricity. इलेक्ट्रिसिटी कितने पार्ट्स में डिवाइड है. टू पार्ट्स में. फर्स्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकेंड इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज आपका जो भी चार्ज है मतलब करेंट तो वैसे ही फ्लो करेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज. चार्ज की वजह से ही फ्लो करेगी करेंट. तो बेटा जो आपका चार्ज है दैट इज आपका इन रेस्ट. स्टैटिक का मतलब क्या होता है. इन रेस्ट या स्टेशनरी पोजीशन. तो जब आपका चार्ज जो होता है वो रेस्ट पोजीशन पर होता है मीन्स वो मूव नहीं करता इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट होता है तो उस इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच को वी विल से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. क्या कहते हैं. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इन आवर सिलेबस. हमारे सिलेबस में नहीं है. वी विल स्टडी करेंट इलेक्ट्रिसिटी. बट थोड़ा सा आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ लो कि कहाँ पर आपका चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है. आपने जो है बचपन में बहुत सारे आपने गेम किए होंगे. स्केल लेकर के आपने अपने हेयर में रब किया होगा एंड देन पेपर पे पेपर पीस लेकर के उसको अट्रैक्ट किया होगा. किया है ना आपने. तो बेटा ये है क्या. एक्चुअली जब हम पेपर को या वो स्केल को या वुड पीस को अपने हेयर में रफ करते हैं तो होता क्या है कि हमारे हेयर से चार्ज जो है वो ट्रांसफर होके प्लास्टिक की स्केल में चला जाता है. ठीक है. और अब उसमें क्योंकि चार्ज है तो वो पेपर के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ओके. अब ये चार्ज कैसा है. आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंडक्टर बैक कंडक्टर और प्लास्टिक इज अ बैक कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर है. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट नहीं होती. तो यहाँ पर जितना पोर्शन आपने रब किया है वही पोर्शन आपका चार्ज होता है. बाकी पोर्शन में ये चार्ज आपका पास नहीं होगा. यहाँ पर चार्ज का मोशन नहीं होगा मूवमेंट नहीं होगा एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. क्या कहते हैं हम इसको. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और ये हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे. हमें जो स्टडी करना है दैट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी. करेंट का मतलब होता है इन मोशन मीन्स जब चार्ज क्या हो इन मोशन. मोशन में हो करेंट इलेक्ट्रिसिटी. और हमको यही स्टडी करना है. अब सपोज आपको लाइट ऑन करनी है या फैन चलाना है तो आप क्या करोगे. जैसे आपने स्विच ऑन किया फैन स्टार्ट हो गया. बेटा किसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि वहां से वहां मूव कर गया एंड आपका फैन ऑन हो गया. तो बेटा ये चार्ज ही तो है जो फ्लो कर रहा है यहां से वहां तक और आपका फैन ऑन हो गया. तो यहां पे मूवमेंट ऑफ चार्ज हुआ ना. इस मूवमेंट ऑफ यानी मोशन ऑफ चार्ज को हम किसमें स्टडी करते हैं. करेंट इलेक्ट्रिसिटी में. किसमें स्टडी करते हैं. करेंट इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट चार्ज. चार्ज क्या है. किसी भी आपके जो है वो कंडक्टर हो. हाँ ये याद रखना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इंसुलेटर वी वॉन्ट यूज. हम इंसुलेटर नहीं यूज करेंगे. वी विल यूज कंडक्टर ताकि उसमें से करंट आपका पास हो सके. क्लियर.
रबर ले लेती, वुड ले लेती, तो क्या चार्ज फ्लो करता? नो, चार्ज नहीं फ्लो करता, बिकॉज दे आर इंसुलेटेड और उनमें से चार्ज का फ्लो करना आपका पॉसिबल नहीं है. एंड दैट्स व्हाई वी स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी तब जब हम फेवर चेन का एग्जांपल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर में ही आपका चार्ज फ्लो करेगा. तो आप वन थिंग देखो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी तभी आपकी फ्लो करती है जब आपका चार्ज फ्लो करता है. तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी है क्या, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज. अब चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो चार्ज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से. अब चार्ज क्या है वो समझ लो. एक्चुअली चार्ज क्या होता है कि जब भी आप स्विच ऑन करते हैं, बैटरी जो कनेक्ट होती है, तो चार्ज जो है, ये मैंने एक बैटरी बनाई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि जो लॉन्ग वाला पोर्शन है दैट इज पॉजिटिव एंड, और इस पोर्शन को हम कहते हैं नेगेटिव एंड. क्लियर? और मैंने जो सर्किट बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इस एंड से इस एंड की तरफ फ्लो हो रहा है. मैंने आपको ये बताया कि करेंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड हो रहा है. ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ये रिसर्च हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी की टाइम, तो उस टाइम पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नोन नहीं थे, उनके बारे में पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. तो उस टाइम पे प्रोटॉन, क्योंकि एटम में प्रोटॉन होता था, इलेक्ट्रॉन आप के बारे में डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इलेक्ट्रिसिटी को कहा क्या गया, इलेक्ट्रिसिटी को कहा गया इट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोला गया, इट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ये एज्यूम किया गया, ये सही नहीं है. करंट जो आपकी फ्लो करती है दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, प्रोटॉन की वजह से नहीं. प्रोटॉन तो आपका न्यूक्लियस में होता है और ये तो मूव ही नहीं करता. जो मूव करता है वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मेरा चार्ज है क्या, मेरा चार्ज है कि चार्ज इज इक्वल टू फ्लो ऑफ नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो कर रहे हैं दैट इज चार्ज. वो क्या है आपका चार्ज. लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट को अभी तक आपका फॉलो किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और यही रीजन है कि अब हम उसको चेंज हमने नहीं किया, बट हम कहते क्या हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है. क्यों? उन्होंने स्टार्टिंग से ही लिया कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, तो अब हमने उसको चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ ये बोला. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव. अगर हम इसको चेंज करते इस कॉन्सेप्ट को तो हम क्या कहते हैं, इट इज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव एंड से आपका पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा. बट हमने उस कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं किया, हमने क्या बोला कि जो आपका करंट का फ्लो है इट इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा. ठीक है, ये अजम्पशन अभी तक एज इट इज चली आ रही है. हम करंट को बोलते हैं इट इज, इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि हमें क्या लेनी चाहिए, हमें सेम लेनी चाहिए डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि हमारी करंट फ्लो ही कर रही है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ओके, तो ये आपका जो डाउट है वो क्लियर रखना कि हम शो करते हैं यस इट इज अपोजिट. करंट क्या है, इट इज अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन आपने लेना है. ठीक है, बट आप अच्छी तरह से जानते हो करंट फ्लो होती है चार्ज फ्लो करने की वजह से, और चार्ज फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज. ओके, चलो तो अब हम देखते हैं कि क्यों जो क्या है कि सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यही इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है. तो क्यों किसके इक्वल हो जाएगा, क्यों विल बी इक्वल टू एन ई. एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई का मतलब क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वल होता है 1.6 × 10⁻²⁻¹.
ओके तो क्यों जो आपका चार्ज इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, इट इज फ्लो ऑफ करंट, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ओके फॉर्मूला क्या है चार्ज का, एम ई। चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यों से। इसकी यूनिट क्या है, कूलम। यूनिट भी लिख लो, यूनिट क्या है, दैट इज कूलम। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके चलो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लेट्स डू इट। So goodbye.